शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। मैं मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। आए नराते मैया के मेरे आए नराते। अब किसी ने मुझसे पूछा क्या हम इन 9 दिनों में नवरात्रों में जागरण करा सकते हैं, माता की चौकी करा सकते हैं? तो मैंने बोला ये तो सवाल ही गलत है। अरे माँ के नवरात्रे में क्या, माँ का जागरण माता की चौकी कभी भी करा सकते हैं, यहाँ तक कि श्राद्धों में भी करा सकते हैं। आप माँ के इन 9 दिनों में माँ की जोत जलाएं, माँ की पूजा करें, आराधना अर्चना करें, उपासना करें, इससे बढ़िया क्या बात है। लेकिन सावधान, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने घर में माँ की जागरण की जोत जला रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, या आप माँ का जगराता कर रहे हैं, तो किन बातों का रखें ध्यान, क्या करें और क्या ना करें, ठीक है? आए ना रहते। सबसे पहली बात, माँ के जागरण को अगर आप करा रहे हैं तो घर में इसके बारे में सबसे डिस्कस करें, सबके मन की मर्जी हो तब कराएं, फिर एक डेट निश्चित करें। वैसे तो 9 दिन माँ देवा देवी के होते हैं, 9 दिन में दशहरे वाले दिन भी आप करा सकते हैं, कभी भी करा सकते हैं, परंतु अगर आप माँ का जागरण मंगलवार और शनिवार करवाएं तो सबसे उत्तम होगा। मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है वनस्थली विद्यापीठ की सीमा, वो जयपुर में रहती है। अभी उसका मेरे पास फोन आया, राखी माँ का हलवा पूरी तो जो लोग आ रहे हैं मैं उन्हें भोग लगाऊंगी, कोई और खास प्रसाद है तो बता दे। एक्चुअली सीमा ये वीडियो मैं तुम्हारे लिए ही बना रही हूँ, थैंक यू सो मच इतना अच्छा टॉपिक देने के लिए। और मैंने सोचा जब तुम मेरी इतनी क्लोज हो, मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकती हो, तो और लोगों के दिल में भी ऐसी बातें आती होंगी, हर कोई व्हाट्सअप नहीं कर पाता। अच्छा अगर आप व्हाट्सअप में इंग्लिश में नहीं लिख पाते, हिंदी में नहीं लिख पाते, तो क्यों परेशान होते हो? वॉइस मैसेज छोड़ो, वॉइस मैसेज छोड़ दो राखी जी, हम आपसे वीडियो से रिलेटेड ये बात पूछना चाहते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। तो सीमा वीडियो ध्यान से देखना। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी माँ का जागरण मंगलवार और शनिवार करें तो सबसे उत्तम होता है, वैसे कभी भी कर सकते हैं 9 दिन में 10 दिन में। पहले घर में सबकी रजा हो, कोई एक भी मना ना कर रहा हो, उसके बाद पिछले 1 साल में घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो तब ये मांगलिक कार्य करें। उसके बाद माँ का जागरण और जोत करें तो घर घर जाकर सबको बुलाएं, व्हाट्सएप पर ही मैसेज ना भेज दें। चलिए मैं मानती हूँ कोई बहुत दूर है, अब जैसे सीमा अपने घर में कर रही है, वो जयपुर में, मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं तो नहीं जा सकती ना, और ना वो मेरे को बुलाने यहाँ आ सकती। मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं खुद माँ की पूजा और उपासना आराधना कर रही होंगी, मेरे घर में माँ की खेतरी बीजी होगी, तो मैं माँ को पीठ नहीं दिखा सकती। जयपुर पास में होता तो मैं जरूर जाती। तो भाई आप अपने घर के आसपास के लोगों को तो जाकर बुलाओ, बाकी लोगों को व्हाट्सअप करो, पर्सनली कॉल करो, अच्छा सा दिन सोचो, पार्टी से अच्छे से बात करो जिसने जगराता या जागरण करना है, एक पंडित जी हो जो अच्छे से सारे कामों को करें, और रात्रि में जब तारा रानी की कथा हो उस कथा को जरूर सुनो। उस कथा में सबके लिए चाय और नमक पारे और बूंदी का जो है इंतजाम करें कि कथा सुनने से पहले पंडित जी के अनुसार या सुनने के बाद सब लोग चाय पी लें, और अच्छे से अगले दिन सुबह भंडारा भी करो। माँ का जागरण कर कर अगर आपने भंडारा नहीं किया, या माता की चौकी कर कर अगर आपने अगले दिन भंडारा नहीं किया, तो कोई एक चीज अधूरी रह जाती है। आप हमेशा एक बात याद रखना, ध्यानुभक्त को माता ने यही कहा था कि तू अपने घर जा और मेरा भंडारा कर। उसने कहा माँ कैसी बातें कर रही है, पूरे गांव को बुलाकर आ जाऊं, मेरे घर में तो बैठने की भी जगह नहीं है। घर अपने आप ही बढ़ता चला गया, और जब उसने किचन में जाकर देखा तो सारा भंडारा और खाना सब कुछ पहले से बना हुआ था, जिस भंडारे में भैरव बाबा आए थे, याद आई वो कहानी आपको? तो अगर आपकी इच्छा होगी तो दरबार के को सजाने की, तो पैसे अपने आप आएंगे। माँ के प्रसाद में 5 तरह के फल, 5 तरह के ड्राई फ्रूट, नमक पारे, बूंदी, हलवा, छोले और पूरी जरूर होनी चाहिए। जगराता शुरू करने से पहले अपने पितरों के नाम की एक थाली जरूर निकाल दें या कुछ पैसे जरूर निकालें। जगराते में आप पीले या लाल रंग के कपड़े पहने अति उत्तम। माँ को नोटों की माला जरूर पहनाएं। जोत जो आप माँ की जलाएं वहां पर आप जरूर जागरण करने वाले से बोले कि 108 जोते जलाए, एक तो बड़ी जोत जलाए और 108 जोत अलग जलाए। अगले दिन जब माता की जोत शांत हो जाए तो आप देखेंगे कि जोत आपके घर आ जाती है, क्योंकि अब तो जागरण घर में होता नहीं है, या तो बैंकट हॉलों में होता है, या सड़कों पर टेंट लगाकर होता है, या किसी मंदिर में होता है। तो वो जोत आप अपने घर लेकर आइए, वो कलश का पानी अपने घर लाके छिड़के, जब जोत शांत हो जाए तो उसके नीचे का जो घी है उसको आप अपने पूरे शरीर पे और बालों पे लगा सकते हैं, बच्चों के भी लगा सकते हैं, लेकिन जो चावल है उसे एक लाल रंग के कपड़े के अंदर कस के बांधकर चांदी की कटोरी में अपनी तिजोरी में वर्ष भर रखना चाहिए। ये वैसी ही पोटली का काम करता है जैसी पोटली मैंने आप लोगों को भेजी है। ये धन लक्ष्मी के चावल होते हैं, इन्हें बिल्कुल भी बर्बाद ना करें।
आपने अपने घर जिस दिन जागरण करना है उसे एक दिन पहले से स्वास्थ्य बिल्कुल सादगी भरा जीवन जीना शुरू कर दें। वैसे तो नवरात्र हैं तो आप जी ही रहे होंगे, जैसे कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, रोमांटिक मूड में पति पत्नी ना आए और जिस दिन जागरण है उस दिन सर जरूर धोएं। एक दिन पहले से आपके घर में लहसुन प्याज ना बने तो बेहतर होगा और एक दिन बाद भी आपके घर में लहसुन प्याज ना बने तो बेहतर होगा। और माँ से कहें, माँ मेरी ये मनोकामना है, मैं इसलिए जागरण कर रही हूं और ऐसा कुछ कर दे माँ कि मैं ये जागरण हर साल करूं। और जब आपके घर में जागरण हो तो एक रामायण की पुस्तक लेके, जो पंडित जी आपकी पूजा करा रहे हैं वो रामायण की पुस्तक लाल रंग के कपड़े के अंदर रखकर आप ब्राह्मण को भेंट स्वरूप अपने बच्चे के हाथ से जरूर दिलवा दीजिए। खुद आप पूरे 16 सिंगार कीजिए, आप सुहागन है, अच्छे से तैयार हुई और अपने घर से कलश भरकर उस जगह पर मटका पानी का सर पे रखकर लेकर जरूर जाएं जहां पर आप माता की जोत या जागरण करवा रहे हैं, चाहे वो जोत है जागरण है। और ऐसा करने से आपके घर का जल वहां जरूर जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, हम मंदिर में करा रहे हैं तो हम मंदिर से ही जल भर लेते हैं, तो कम से कम आपके घर का जल, आपके घर की कुछ वाइब्रेशन वहां जरूर जाए। अगर आप अपने घर के बाहर माता की चौकी या जागरण करा रहे हैं, चाहे वो बैंक्वेट हॉल है, चाहे वो यूं कह लीजिए कि आप सड़क पर करा रहे हैं, मंदिर में करा रहे हैं, तो अपने घर की माता की मूर्ति को भी जागरण में जरूर लेकर जाएं ताकि वो जागृत हो जाए, ताकि वो जागरण की वाइब्रेशंस आपके मंदिर तक आए, अगले दिन वो मूर्ति लेकर आप अपने घर लौट कर आ जाएं। आपके घर में आपसे उम्र में जितनी छोटी कुंवारी बच्चियां आए उन सबको आप लिफाफे सगन के रूप में जरूर दें और कन्याओं का भोग लगाएं। सबसे पहले 21, 31 या 11 कन्याओं को भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद बांटें। अंदर माता का जागरण चल रहा हो और बाहर आप खाना खोल रहे हो ऐसा काम बिल्कुल मत करिए। खाना और जागरण दोनों की जगह अलग अलग होनी चाहिए, बीच में एक पर्दा होना चाहिए। जहां पर माँ का जागरण हो रहा है वहां पर झूठे खाने पत्तल ये लेकर ना आए। कोई पिक्चर नहीं चल रही है जिसे आपको देखते देखते पॉपकॉर्न खाने हैं, तो माँ के दरबार को झूठा बिल्कुल ना करें। आप अगर अपने इस नवरात्रों में माँ के जागरण में कहीं जा रहे हैं, अपने घर नहीं करवा रहे मान लीजिए, तो अच्छे से 16 सिंगार करके लाल रंग के कपड़े पहनकर जाएं। आपकी जो भी मन्नत हो आप अपनी मन्नत को एक कागज में लिखकर नारियल के ऊपर रखकर उस पर मोली बांध दीजिए और वो नारियल जागरण में पंडित जी को दे दीजिए। चाहे जागरण आप करा रहे हो या किसी के घर जा रहे हो, जागरण में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। या तो फल लेकर जाएं या नारियल लेके जाएं, और फलों में भी नारियल सबसे उत्तम है, वहां पर पैसे अर्पण करें। जागरण में जरूर नाचें और अपने दोस्तों को भी डांस करने के लिए उठाएं, क्योंकि जो उसके दरबार में नाच लेता है वो उसे हर कहीं नाचना नहीं पड़ता। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, बहुत करोड़ों में एक भाग्यशाली इंसान होता है जो अपने घर में जागरण करा पाता है। माता की चौकी तो शायद आप फिर भी करा ले, लेकिन जागरण की परमिशन तो माँ किसी एक को ही देती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आपके घर में खूब माता की जोत जले, आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां हैं, ऐसी मैं दिल से आपको दुआ देती हूँ। और ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे सिर्फ ये बात लिखिएगा, आ गए नराते, जय माता दी, शेरावाली, जय माता दी, जय माता।